हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आइडिया अनलिमिटेड। आप शोभा के साथ कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये देखिए, आज बनाते हैं अपना DIY। मैंने आप लोगों के साथ अपनी अलमीरा शेयर की थी पिछली बारी, जिससे मैंने मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए बनाया था, उसी में से कुछ पीस बचे हुए उसका मैं यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, इसमें ये मेरे पास ये जो पीस है, इसमें मेरा एक उसमें शीशा भी निकला था, ये वाला मेरा टूटा हुआ है, और मैं पहले इसको फेंक रही थी, फिर मैंने सोचा इसका मैं कुछ DIY बनाती हूँ। तो अभी लकड़ी का जो मेरे पास इतनी लकड़ी का पीस है, इस पर मैं अब मैं जितना मुझे मेरा मिरर है उसके हिसाब से लेके उस बाकी को मैं कट कर दूँगी। जिससे मैं कट करूँगी, ये इसको हेक्सा बोलते हैं, और ये इस पर ये छोटी ब्लेड लग जाती है। ये ब्लेड जो अमूमन हमें कहीं पे भी जो ये हार्डवेयर की शॉप है वहाँ मिल जाती है, वो ये बहुत सस्ती मिल जाती है। अगर आप ऐसे सिर्फ ब्लेड भी ले सकते हैं, ये ब्लेड से कट नहीं रहता हेक्सा से, तो मैंने सिर्फ ब्लेड का यूज़ किया है और ये बहुत अच्छे से कट गया था। ये मेरे पास वुडन स्टिक है, और इनको मैं कॉर्नर्स में लगाऊंगी। इसको मैं कॉर्नर्स में इसलिए लगाऊंगी क्योंकि मुझे ये हैंग करना है। तो हैंग करने के लिए जो मेरा वुडन पीस है वो बहुत पतला है, उस पर कील नहीं ठुकेगी, तो इसके लिए मैं इस पर ये लकड़ी की जो है स्टिक है इनको लगाऊंगी दोनों साइड से, कि मैं किधर से भी यूज़ करूँ ये दोनों, एक डिज़ाइन भी बन जाएगा और ऊपर से इस पर लग भी जाएगा। अभी मैंने हैंग करने के लिए इस तरीके के लेके आ रखी हूँ, और ये मुझे वुडन के काम के लिए आए थे, तो उसमें से बचा हुआ सामान है, तो जो मुझे इसमें चाहिए वो मैंने निकाल लिए हैं। तो अब मैं अपनी जो ये वुडन स्टिक है उनको अपने अपना जो ये बड़ा वाला वुडन पीस है उस पर लगा दूँगी। इसको ये बहुत जल्दी ठुक जाते हैं क्योंकि बहुत पतला है ये वुडन की जो ये बड़ी वाली पीस है, तो बहुत पतली है, तो वो आराम से इस पर मैंने जो कीलें थी वो लगा दी थी, और जो नहीं लगी तो मैंने उसको कस दिया था। इस तरीके से मैंने मजबूती से दोनों साइड में लगा दिए हैं। अब मैं इस पर अपना मिरर लगाऊंगी। पहले मैं इस मिरर को फेंक रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसका कुछ यूज़ किया जाए, तो सामान बचा हुआ था तो मैंने इसमें से यूज़ कर लिया। अब ये देखिए फ्रेंड्स, वैसे भी मैं आपको ज़्यादातर मैं जीरो कॉस्ट के ही DIY बताती हूँ, उन्हीं में से एक ये है, और आप मुझे ज़रूर बताया कि आपको कैसा लगा, क्योंकि इससे मैंने कुछ भी खर्च नहीं किया, जो मेरे पास सामान पड़ा हुआ था मैंने उन्हीं का यूज़ कर रखा है। मेरा ये फेविकोल नीचे गिर गया था, सारा जो था वो उसका ढक्कन में लग गया था, तो मैंने उस पहले उसी का यूज़ कर लिया। बल्कि मेरा फेविकोल पड़ा रहता है, लेकिन वो इस टाइम जिसने अलमीरा बनाई थी वो मेरे, तो उसने मंगवाया था ये सारा सामान, उसी का यूज़ कर लूँ। अब आप मेरे को इस पे जो ये मिरर में लगा रही हूँ उसको मुझे इस तरीके से लगाना कि चारों तरफ से इक्वली रहे, तो मैं इसको अच्छे से मेज़र कर लूँगी, और उसके बाद मैं इसको, ये मेरे पास पेपर टेप पड़ी हुई है, मेरे पास बची हुई है, आप तो सेलो टेप का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फेविकोल सूखने में टाइम लगेगा, तो मैं इसको ये पेपर टेप से मैं इसको अच्छे से चारों तरफ से इसको बिल्कुल फिक्स कर दूँगी कि ये मेरा मिरर हिले ना। अगर आपको जल्दी चाहिए तो आप टेप लगा के इसको फिक्स कर सकते हैं, अगर आपको जल्दी नहीं चाहिए तो आप ऐसे ही रख के कहीं साइड में ऐसे रख दे कि इस पर हिले ना आपका मिरर, तो ये आराम से 2-3 घंटे में जब भी है तो वह वहाँ पे फिक्स हो जाएगा। तो मेरा फिक्स होने में टाइम था, तो मैंने ये इस पर पेपर टेप लगा दी थी। इसके बाद मैं इसको साइड में रख के आपको बताती हूँ इसको मैं किस तरीके से डेकोरेट करती हूँ। मैंने इस पर लगा दी, फ्रेंड्स जो मैं DIY बनाती हूँ, मैं सोचती हूँ कि हमारे घर का कोई सामान जो वेस्ट पड़ा, जो यूज़ में नहीं हो रहा है, वो यूज़ हो जाए। बहुत यहाँ पे बहुत गंदा, मैं साइड में कर दिया मैंने ये, और अब मैं इसको जो डेकोरेट के लिए मुझे चाहिए सामान वो है सिर्फ न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर को ही मैं इस तरीके से लगाऊंगी कि ये बहुत सुंदर दिखेगा। मेरे को कुछ इस मेरे को सिर्फ पतली पतली स्ट्रिप काटी है मैंने, आप मोटी पतली कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए मैं सीधा
अपना जो बना रखा है मिरर का उस पर पेस्ट कर सकते हो। लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं दिखा रही हूँ कि किस तरीके से इसको हमने लगाना है। हमें इसको सिर्फ फोल्ड करना है, स्ट्रिप को राउंड राउंड घुमा करके और इस तरीके से इसको रफली यूज़ करना है। ये बहुत अच्छा दिखता है। और अब मैं इसको फेविकोल से इसको इसके अपने मिरर के चारों तरफ इस तरीके से लगाऊंगी कि मेरे मिरर के साइड में जो ये कॉर्नर्स सीधे नहीं हैं उन पे वो दिखे ना, और ये मेरा पेपर अच्छा भी लगे। आपको सिर्फ इसको फेविकोल लगाना है और इसको ऐसे मोड़ मोड़ के इसको इसके ऊपर फिक्स करते रहना है। देखिए मैं इस तरीके से फेविकोल लगा के इसको उसे पेस्ट कर रही हूँ, और जो आगे लास्ट का जो बच जाएगा उसको आपको कट कर देना है। और आपको ये इस तरीके से करना है कि आपको कहीं से भी वुड दिखाई ना दे, बिल्कुल ऐसा लगे कि ये इस पे लगा रखा है, बिल्कुल दिखाई नहीं देना चाहिए। क्योंकि जब मैं इसको पूरा डेकोरेशन कर इसको डेकोरेट कर दूँगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि नीचे कौन से किस कलर का हमारे पास वुडन था। और अब मैंने दोनों से ऊपर नीचे से तो कर दिया है, अब मैं साइड से भी इस तरीके से करूँगी। देखिए मैंने एक ही साइज़ की न्यूज़पेपर कट कर रखा था, अब ये जहाँ तक होगा उतना मैं इसको पेस्ट कर दूँगी, और जितना रह जाएगा उतना मैं दूसरा पेपर कर इसको उसके ऊपर पेस्ट करूँगी। ये देखिए इस तरीके से, और वहाँ पर मैंने दूसरा पेपर ले कर उसको पेस्ट कर दिया है। नेक्स्ट है उसको कट कर दिया है। ये पूरे में पेस्ट होने के बाद ये देखिए फिनिशिंग कितनी अच्छी आ गई, कितना सुंदर लग रहा है ये। लेकिन मैं इसको ऐसे ही नहीं रखूँगी, मैं इसके ऊपर पेंट करूँगी अब। लेकिन मैं सबसे पहले इसके ऊपर जो ये मैंने टेप इस पर चिपका रखी थी मैं इसको निकालूँगी। इसको मैं इस तरीके से निकालूँगी ये दिखे ना कि हमने इस पर टेप कहाँ पर लगा रखी थी, क्योंकि हमने ऊपर से तो अखबार इस पर पेस्ट कर रखा है। तो मैं इसको अच्छे से सावधानी से इसको कट कर दूँगी। उसके बाद मेरे चारों तरफ से मैंने ये जो मैंने बाउंड्री बना रखी है न्यूज़पेपर की, उस पर मैंने वाइट कलर कर दिया है। मुझे लाइट कलर चाहिए थे तो मैंने वाइट कलर का यूज़ किया है। अब मैं जो ये वुड है जो दिखाई दे रहा है नीचे की वुडन स्टिक, मैं उस पर भी वाइट कलर ही कर दूँगी। इसको पूरा वाइट कर दूँगी चारों तरफ से। और अब देखिए ये पूरा जब तक सूखेगा, जब बाहर निकलेगा तो उसको मैंने साफ़ कर दिया है। तब तक जब तक ये सूखेगा तब तक मैं दूसरा काम करती हूँ। ये A4 डिजाइनर शीट है, इनका मैंने यूज़ किया है। इनके प्रिंट बहुत सुंदर लग रहे थे, तो मैंने ये इनकी चौड़ाई 2 इंच ली है और लंबाई मैंने 6 इंच ली है। मेरे को इस तरीके से मैंने इनको फोल्ड किया है। देखिए ये सबको ही आता है लगभग, और बहुत इजी भी है। ये शीटें भी आपको पता ही है कि पड़ी घर में बच्चों के पास बहुत पड़ी हुई है आजकल, तो घर में बैठे बैठे बच्चे यही सब फैलाते रहते हैं। तो मैंने उसमें से निकाली शीटें, और ये देखिए इस तरीके से फोल्ड करके मैंने इसको बीच में से मैंने इसको फोल्ड कर दिया। मुझे सिंगल पीस के लिए बीच में कट करूँगी, डबल के लिए मैंने इस तरीके इसको फोल्ड कर दिया। और अब यहाँ पे मेरे हाथ से पकड़ा वहाँ पे मैं फेविकोल से इसको पेस्ट कर दूँगी। और जब मैंने पूरे बना लिए थे तो उनको मैंने स्प्रे पेंट से इनको पेंट कर दिया। स्प्रे पेंट से ये थोड़ा कड़क भी हो जाती है और इसमें थोड़ा सा चमक भी आ जाती है। अब मैं अपने मिरर के चारों तरफ से इसको पेस्ट करूँगी। ये जो प्रिंट थे इसमें ये बहुत सुंदर लग रहे थे। अब ये देखिए मैं इसको पूरा डेकोरेट कर दूँगी, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ मेरा ये जो मिरर है वो कैसे लग रहा है। कुछ छोटे कुछ बड़े मैंने सारे जो फ्लावर हैं इस पर चारों तरफ से पेस्ट कर दिए हैं। फ्रेंड्स आप ज़रूर बताएं मुझे आपको ये कैसा लगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल बटन को जरूर दबाएं जिससे कि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये देखिए मेरा मिरर बन के तैयार है, मैंने उस पर हैंग करने के लिए ऊपर लगा दिया है, और अब ये बिल्कुल रेडी है और कितना अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा मैंने डाइनिंग एरिया बना रखा है, मुझे तो ये बहुत सुंदर लग रहा है। आप बताएं आपको कैसा लगा, आप ज़रूर कमेंट करें। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो फिर मिलूँगी। बाय।